बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां लोअर परेल में मौजूद कमला मिल्स कंपाउंड में सुबह आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने का काम जारी है। राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें सामने आ रही है, जी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड की, जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। जी मीडिया संवाददाता कृष्णनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णनाथ, आग को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? आज सुबह 6:30 बजे कमला मिल कंपाउंड के टाइम्स टावर में ये आग लगी है, जो ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर का टावर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि पूरा कांच का ये टावर है, और जहां एयर कंप्रेसर था वहां पर एयर कंप्रेसर में आग लगी है, और सारे जो फ्लोर है वहां पर आग पहुंच चुकी है। जहां अभी आग पर काबू पाया गया है, लेकिन अंदर में जितना भी धुआँ है वो धुआँ बाहर से निकल रहा है। अभी भी अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड के जवान है वहाँ से पानी मार कर वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर अभी आग जो धुआं दिख रहा है वहाँ पर। अभी भी ये जो कमला मिल कंपाउंड है यहाँ पर सारे कमर्शियल बिल्डिंग रहती है, और यहाँ पिछले कई सालों से हर साल एक आग की दुर्घटना जो है दिखाई देती है। 2017 दिसंबर 2017, मतलब 29 2017 में यहाँ पर रूपटॉप रेस्टोरेंट पर एक बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ये कमला मिल कंपाउंड का जितने भी फायर ब्रिगेड के बीच सवाल यही रह जाता है कि आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहां पर क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? क्योंकि अगर ऐसे इंतजाम होते तो इस तरह की आग लगनी नहीं चाहिए थी। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। Senior.